हज़रत शेख अहमद मुजद्दिद अल-फ़िसानी अलैह रहमा फरमाते हैं, जो शख्स अपने ऊपर 10 चीज़ों को लाजिम कर लेता है तो लाजमी नतीजा ये होता है कि वो मुत्तकी बन जाता है। वो 10 चीज़ें कौन सी हैं? माह सियाम के इन हसी लम्हों में हमें वो 10 औसाफ अपने अंदर पैदा करने चाहिए ताकि हम मुत्तकी बन जाएं, और मुत्तकी अल्लाह के महबूब बंदे हैं। तकवा इख्तियार करने वाले अल्लाह जल्ला शानहू की रहमतों के ख़ास मुस्तहिक हैं। जिन्हें तकवे का नूर नसीब होता है वो अल्लाह की रहमतों के साए में आ जाते हैं। अगर उन पर मसाइब, आलाम, मुश्किलें आती हैं तो उनके तकवे की वजह से अल्लाह उन्हें रास्ते अता कर देता है। वमन यत्तकिल्ला यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाहु अकबर। इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह से डरता है, तकवा इख्तियार करता है, उसके लिए हम मुसीबत से निकलने के रास्ते पैदा कर देते हैं, और अल्लाह जल्ला शानहू उसके लिए वहाँ से रिस्क अता करता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता है। तो ये तकवे का नतीजा है जो अहले तकवा को नसीब होता है। तो हज़रत शेख ने 10 वो उमूर बताए जो अपने ऊपर लाजिम कर लेने से तकवा नसीब होता है। सबसे पहली बात, आप फरमाते हैं ज़ुबान को गीबत से बचाए। इत्तिका के हुसूल के लिए ज़ुबान को पाक करना ज़रूरी है। इंसान के ज़्यादातर गुना उसकी ज़ुबान की वजह से हैं, और गीबत ये बदतरीन अमल है, और इसको बदकारी से भी बुरा करार दिया गया है। अलगीबत व अशद्दु मिनज़्ज़िना। तो अपनी ज़ुबान को गीबत से बचाए। दूसरी बात इरशाद फरमाई कि बदज़नी से बचे। किसी से खामखा बदगुमान हो जाना और अपने दिल को किसी के लिए मैला कर लेना और उसकी बदगुमानी दिल में पालना, तो ये तकवे के मुनाफी है। तो किसी की बदगुमानी से, बदज़नी से अपने दिल को बचाए। ज़ुबान को गीबत से बचाए, दिल को बदगुमानी से बचाए, और मस्खरापन से बचे। बात बात पे ठट्ठे मार के हंसना और इस तरह की ज़िंदगी बसर करना। और आजकल तो जब भी दोस्त अहबाब इकट्ठे बैठते हैं तो संजीदा और मतीन बातें कम होती हैं, ज़्यादा वक्त लतीफ़ों में ही कट जाता है। इंसान को खुश मिजाज होना चाहिए, उसकी तबा में शगुफ्तगी होनी चाहिए, लेकिन शगुफ्तगी, खुश मिजाजी और मस्खरापन में फ़र्क है, इसको समझना चाहिए। संजीदा और मतीन ज़िंदगी ये मोमिन की जीनत है, इंसानियत का हुस्न है। इसलिए तकवे के हुसूल में माने है मस्खरापन। अगर कोई शख्स मुत्तकी बनना चाहता है तो उसको संजीदा और मतीन बनना होगा। तबीयत की खुश मिजाजी ये माने नहीं है, लेकिन मस्खरापन और चीज़ है, उससे रोक दिया गया। चौथी चीज़, हज़रत शेख अहमद फरमाते हैं कि अपनी आँख को हराम से बचाए। अपनी आँख की हिफाजत करने से तकवा हासिल होता है। जब आँख ख़राब होती है तो दिल ख़राब होता है, जब दिल ख़राब होता है तो फिर पूरा बदन ख़राब हो जाता है। इसलिए वो दरवाज़ा जो खुला है और उससे बदी शर अंदर उतर रही है और फिर उससे आपका सारा नज़्म हस्ती बर्बाद हो रहा है, तो उस दरवाज़े को बंद करें। तो अपनी आँख को हराम से बंद करें। पांचवी चीज़ इरशाद फरमाई, हमेशा सच बोले। झूठा शख्स कभी मुत्तकी नहीं हो सकता। इत्तिका के हुसूल के लिए अपने आप को सच का खूगर बनाना होगा। सच के बग़ैर कभी ना बोलें। झूठ बोलने वाले की ज़ुबान से शर फैलता है, और जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो हदीस पाक में आता है उससे बदबू निकलती है, जिसको आम लोग तो नहीं सूंघ पाते लेकिन अल्लाह के फरिश्ते एक मील दूर पीछे हट जाते हैं। तो मोमिन सच्चा होता है, मोमिन झूठा नहीं होता, और तकवे के उसूल के लिए सच शर्त है। छठी चीज़ इरशाद फरमाई, हर हाल में अल्लाह का एहसान माने।
जब कोई भी इंसान पर बेहतरी आए तो उस वक्त ये कहे कि ये मेरे रब का एहसान है कि मुझे ये हासिल हुआ है। बहुत सारे लोग अपनी मेहनत का नतीजा करार देते हैं कि ये मैंने किया तो उसके नतीजे में ये मिला। बसाओकात आप कितना सीधा काम कर रहे होते हैं, कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन नतीजा उसके बरक्स आ रहा होता है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह को अपने इरादों की शिकस्त से पहचाना, तो ये उसकी करम नवाजी है कि उसने ऐसा कर दिया। सेहत मेरा कमाल नहीं, ये अल्लाह की अता है। इल्म मेरा कमाल नहीं, ये अल्लाह की अता है। लहजों की खूबसूरती ये उसकी अता से मुमकिन है। उसने आंखों में रोशनाई रखी, उसने तौफीक के अमल नसीब फरमा दी, उसने अच्छाई की राहों पे गामजन किया, माह सियाम में रोज़ा रखने की तौफीक हुई, सलातु तरावी में हाजिरी का मौका मुयस्सर आया, दीगर साले आमाल तिलावत कलाम मजीद नसीब हुए, तो मत समझे कि ये कोई मेरा कमाल है। अल्लाह का एहसान मानेगा तो गुरूर पैदा नहीं होगा, तकब्बुर पैदा नहीं होगा। तो हर हाल में अल्लाह का एहसान माने, जो भी खैर उसको मिले वो कहे ये मेरे रब की तरफ से है, और अगर उसका करम ना होता तो ये अमल मुझे नसीब ना होता। और कितने अमल हैं कि नसीब होने के बाद उजब से, तकब्बुर से, रियाकारी से बर्बाद हो जाते हैं। कीती कतरी पई खू मोहम्मद ते सिक्का बनया जरदा। कितने अमल हैं कि बर्बाद हो जाते हैं, तकब्बुर आ गया, उजब आ गया, रियाकारी आ गई, तो ये उसकी तरफ से ही है। तो जब ये कहेगा तो उजब, तकब्बुर, गुरूर कुछ पैदा नहीं होगा, तो फिर अमल कबूल होगा और इंसान तकवे की मंजिल तक पहुंचेगा। सातवीं चीज़, अपना माल राह हक में खर्च करे, ना हक रास्ते पर एक दिरहम भी खर्च ना करे। कमाया हुआ माल राह हक में खर्च करने से इत्तेका की दौलत नसीब होती है। अल्लाह क़यामत के दिन बंदे के कदम अपने हुजूर से हटने नहीं देगा जब तक उससे तीन सवाल नहीं कर लेगा। उनमें से एक सवाल ये होगा कि माल कमाया कहाँ से, माल खर्च कहाँ किया। जिस तरह माल हलाल कमाना ज़रूरी है, माल को जायज़ जगहों पे खर्च करना भी ज़रूरी है, हक के रास्ते पे खर्च करना भी ज़रूरी है। इसलिए ये अपनी तबा के अंदर लाजम कर ले कि कभी भी उसका माल किसी नाजायज़ और फजूल काम में खर्च ना हो, राह हक में उसका माल लगे। आठवीं चीज़, नफ्स के लिए कभी बड़ाई बुलंदी ना चाहे, इससे तबीयत में सरकशी आएगी और तकवे के रास्ते में ये अमल माने है। और नमाजों की हिफाजत करें, नमाजों की अगर हिफाजत नहीं करता तो बाकी सारे अमल उसके पास हैं तो वो मुत्तकी कैसे बन सकता है। चूँकि ये तो इस्लाम का बुनियादी फरीज़ा है जो अहले ईमान पर लाजिम किया गया है, जो किसी सूरत के अंदर भी, हत्ता के हालत बीमारी के अंदर भी माफ़ी जिसकी नहीं है, सफ़र के अंदर भी नमाज की माफ़ी नहीं। मुख्तसर कर दी गई, कसर कर दी गई, लेकिन माफ़ी नहीं दी गई। हालत जंग के अंदर भी इसकी माफ़ी नहीं है। तो नमाजों की मुहाफ़ज़त करें। और दसवीं चीज़, हज़रत शेख फरमाते हैं, अकीदों की सेहत का ख्याल रखें, अपने अकीदे अपने नज़रियात खूबसूरत रखें।